देश के लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, या यूं कहे कि अटल युग की समाप्ति। भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु, एक प्रखर वक्ता, एक कवि, पत्रकार, राजनेता, या यूं कहे कि पूरा का पूरा धरोहर को हमने आज खो दिया है। आज सिंधु में द्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। भारतीय राजनीति में पिछले 50 वर्षों से सक्रिय और एक ऐसे राजनेता जिन्हें न सिर्फ पक्ष मानता था, विपक्ष के लोग भी इनका सम्मान करते थे। अटल जी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर साल भर बाद एक वर्ष के लिए और तीसरी बार 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने, यूं कहे कि सफल प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू हुआ सफर एक नया रूप लिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाल ली यह सफर चलता रहा। फिर 1980 में अटल जी ने लाल कृष्ण आडवाणी व भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई, और सफर आज भी जारी है और याद बनकर जारी रहेगा। आज पक्ष विपक्ष पूरा देश रो रहा है, ये है अटल। अटल रत्न खो दिया है। अटल जी का विराट व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दायरे से परे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा। उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर आत्मीयता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अविरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्हीं के दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है। अटल जी भले ही हमें छोड़कर चीर निद्रा में लीन हो गए, लेकिन उनकी वाणी, उनका
जीवन, उनकी सादगी, उनके विचार, हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अपार शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और समस्त देशवासियों के साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं अटल जी के चरणों में आदर पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं। 1988 में जब वो इलाज के लिए अमेरिका गए थे तब उन्होंने ये पंक्तियां खत के रूप में लिखी थी। जूझना तो पड़ा ही, परंतु मौत को उनके सामने कई बार आई और हार मानकर चली गई। आज अटल सत्य तो यह है कि अटल जी हमारे बीच नहीं है, देश ने एक रत्न को खो दिया है और उनकी यादें अटल हैं और उसका कभी अंत नहीं हो सकता। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती, मौत की उम्र क्या तीन दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुश्ते। देख रहे हैं आवाज 24।